वेलकम बैक। पंजाब के इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा पर सुप्रीम कोर्ट की इन चैम्बर समात का अहवाल। अदालत ने कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा आने वाले अफसरान को बाहर भेज दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइएगा इन चैम्बर समात का अहवाल। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में आज जो तीन रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाज की उसकी जो अब तक मालूमात सामने आई है उसके मुताबिक जो डेलीगेशन आया था स्टेट बैंक का उसमें सिर्फ और सिर्फ कायम मकाम गवर्नर बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को जो है वो बाहर भेज दिया गया था इस समाज से, और वजारत खजाना के जो स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके अलावा दीगर हुकाम को भी बाहर बैठा दिया गया था। इस समाज के मौके के ऊपर जराय ने बताया है कि तीनों जजेस का समाज में फंड्स जारी ना करने के ऊपर, इंतखाबात के लिए फंड्स जारी ना करने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है, और अटर्नी जनरल को ये कहा गया है कि जो हुकूमती मौकफ पेश किया गया है वो अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा अदालती हुक्म पर हर सूरत अमल करना पड़ेगा, ये जजेस ने वाजे कर दिया है। और नमाज जुमा के बाद बाजाबता तौर पर इस पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया जाएगा। इस समाअत के दौरान ने ये भी बताया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कि हमारा तमाम तर जो काम था वो बैकअप बैकएंड और सपोर्ट करना था, क्योंकि हमारी आज भी पोजीशन वाजे है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने अदालती बेंच को भी बताया कि हमें 21 अरब रुपए के फंड दरकार हैं और हमारा जी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।